अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे तमाम दोस्तों का, भाइयों का। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ज़बरदस्त होंगे। शोक शिकार सबका अच्छा जा रहा होगा। और जैसा कि लास्ट वीडियो खुले खीर पे बनी थी, एक भाई की फरमाइश पे कि भाई बताना, एक भाई ने और फरमाइश की है कि मुर्गा दाना खाता है, दाना साबित फेंकता है, और एक ने कहा जी झोल में चर्बी है। इन दोनों का जवाब भी देंगे दोबारा से। झोल में चर्बी की बात मैंने पहले बताई थी, लेकिन उसने कहा मैं ओमान में होता हूँ, यहाँ पे ये चीज़ नहीं मिलती, तो कोई और रेमेडी बताएं, वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह बताऊँगा। दाना फेंकने वाली बात पे भी बनेगी, लेकिन आज का जो टॉपिक है, क्योंकि पिछला खुलो कील का बना है, अब बंद कील के ऊपर बनेगा। ये भी छोटी वीडियो है, इन्फॉर्मेटिव है, इसको गौर से सुने। दोनों में आपको अलग अलग वीडियो, एक वीडियो में नहीं बताया, खुलों का अलग बता दिया, बंद का अलग बताऊंगा, ताकि आप दोनों के अंदर फर्क कर सकें खुद से। उससे पहले एक कमेंट देख के मैं बड़ा ही असर, एक भाई आया, उसने कमेंट की शानी भाई गर्मी बड़ी है, क्रीज का मौसम चल रहा है, और मुझे लगता है कि आप भी क्रीज में पड़े हुए हैं। हाँ जी भाई, हम भी क्रीज में पड़े हुए हैं। सबसे पहले बॉडी स्ट्रक्चर, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता, ठीक हो गया, इसको अलहदा से समझ। आपने जो खुले, जो बंद के जानवर होते हैं ना, उनके अंदर ज़्यादातर जितने भी जानवर हैं वो मजबूती में, स्ट्रक्चर में, बॉडी शेप में, हाइट में, वजूद में, गंड चुकाठों में, आर में, हर एक चीज़ में खुलों से ज़्यादा होते हैं। इन दोनों के दरमियान में जो एक चीज़ आती है वो है सिंध के मुर्गे, जो अपने कीलों पे गेम करते हैं, वो इन दोनों के दरमियान में आते हैं, वो बंदों के करीब हैं ज़्यादा, लेकिन वो खेलते खुलों में, बंदों के ज़्यादा करीब हैं। तो होता क्या है कि ये जो बंद के जानवर हैं, इनका बॉडी वेट मिनिमम मिनिमम कितना होता है, 3200 ग्राम मिनिमम वज़न होता है। मतलब एक अच्छा बंद का जो जानवर है वो 3200 से शुरू होता है, 4 साढ़े 4 किलो तक भी चले जाते हैं, और ये गेम में 3800 ग्राम, 3900 ग्राम, 4 किलो के अंदर भी मैंने देखा है इन्होंने गेम की है, इतना इतना वजूद भी होता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ज़्यादा वज़न के अंदर ये गेम करते हैं। हाँ, खुलों के मुकाबले में इनका जो वो जो स्पीड होती है वो थोड़ी कम थी पहले, लेकिन अब क्योंकि लोगों ने बहुत सारा मिक्सचर डाला है बंद के अंदर, उनकी स्पीड भी बढ़ गई है, लेकिन उस लिहाज से बाकी चीज़ें कम हो गई, असालतें अक्सर कम हो गई, गेम बढ़ गई लेकिन असालत कम हो गई, साइज छोटा हो गया और स्पीड बढ़ी है तो वजूद कम हो गया। ये चीज़ें हुई हैं क्रॉस डालने की वजह से। इसके अलावा क्या होता है, बंदों के अंदर आप देखते हैं कि इनकी गर्दनें बहुत मोटी मोटी और बड़ी बड़ी होती हैं। मतलब बड़ी से मुराद ये नहीं कि लंबी होती, बड़ी से मुराद चौड़ी होती, मोटी होती। मुंह का जो स्ट्रक्चर होता है फेस, ये बड़ा बघियाड़ी कुत्ते जितना होता है, बड़े बड़े बड़े, मतलब मेरे मेरे पास एक मुर्गा था, मैं शो करता हूँ, चप्पे चप्पे जितना, चप्पे चप्पे जितना जो है ना उसका मुंह था, इतना लंबा और भारा मुंह। इसके अलावा बंदों के अंदर जो नलियां हैं वो ज़्यादातर चौरस में आती हैं, या गोल नली आती हैं, सादी नली आती है, इनके अंदर खपरेल खपरूल नहीं होती, खुलों के अंदर होती हैं, लेकिन ज़्यादातर बंदों के अंदर खपरेल नली इतनी ज़्यादा नहीं होती, चौरस नली या गोल नली होती है, दोनों ही अच्छी हैं, बांसी नली भी हम बोलते हैं उसको, दोनों ही अच्छी होती हैं। वेट का भी आपको बताया, कद इनके लंबे होते हैं, ठीक हो गया। अब जो आ रहे हैं उनके अंदर फ़र्क है, लेकिन असल जो बंद के जानवर हैं अच्छे कद्दों के, अच्छे वजूद के, अच्छे वजन के होते हैं। इनके पल्ले खुलों के मुकाबले में थोड़े कम होते हैं, मतलब कम लंबे होते हैं, परेल थोड़े कम होते हैं, वजूद इनका जब ये भरते हैं तो ये ज़्यादा परेल नहीं लगते, ये गंजे गंजे थोड़े थोड़े लगते हैं, सीना खुल जाता है, यहाँ से लालगी आ जाती है, पट गंजे हो जाते हैं, ठीक हो गया। लेकिन खुलों के जानवर जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेल होते हैं, उसके मुकाबले में ये, इनको तैयारी भी ज़्यादा दी जाती है, इनको खुराकें भी बहुत दी जाती हैं, अलग अलग तरह की, हर बंदे की अलग अलग खुराक है इसके अंदर, ये कई बादाम, पिस्ते, काजू, चार मगज, सौंफ, इलायचियाँ, अजवाइन, फिर वो मग, फिर इसके अलावा सोयाबीन, कुछ सूरजमुखी के बीज, दालें, काले चने, भुज्जे चने, देसी घी, हरी मिर्च, काली मिर्च, मिश्री, गुड़, ये सब चीज़ें इनकी तैयारी के दौरान इनको दी जाती हैं, इनमें से अपना अपना कॉम्बिनेशन सबने बनाया हुआ।
और जब इनको खुराक दी जाती है तो इनको थिंदा किया जाता है, तेल ज़्यादा, मतलब ये इस तरह नहीं है कि इन्होंने चार बादाम खाए ख़त्म हो गए। मेरे पास एक मुर्गा था माशाल्लाह, वो 70 गिरियाँ भी खाता था, 70 गिरियाँ कम से कम खाता था, मैं उसको 100 भी खिला देता तो वो भी हज़म कर लेता था, मतलब इतना कैपेसिटी होती है तेल अब्जॉर्ब करने की। बहुत ज़्यादा इन क्वांटिटी के अंदर आप इनको खुराक दे सकते हैं, बंदों की खुराक महीना महीना दो दो महीने भी लगी रहती है, तो इस तरह करके इनको खुराक दी जाती है। फिर ये गेम के लिए तैयार होते हैं और उसके बाद बाकी आ गया। और इनकी गेम जो होती है मोस्टली वो पानियों वाली होती है। हमारे यहाँ दो तरह से गेम होती है, ये ज़्यादातर गेम खेली जाती है, या लाहौरी गेम कहते हैं उसको या पानी वाली गेम कहते हैं। लाहौरी गेम मतलब उसके अंदर जब जिसने पहले पानी, पांच पानी होते हैं, जिसने पहले अपने पानी उठा लिए वो हार जाता है। और जो पानी वाली गेम होती है उसके अंदर ये होता है कि 10 मिनट का पानी 10 मिनट की रेस्ट, या 15 मिनट का पानी 15 मिनट की रेस्ट, इस तरह करके इनकी फैसले तक गेम चलती है। तो ये एक छोटा मोटा आपको सारा का सारा मैंने डेमो दिया है, इसको सुने समझें, दोनों में फ़र्क है, दोनों को कंपैरिजन करना है, दोनों वीडियो अलग अलग देखें। अगर किसी ने खुलों वाली वीडियो नहीं देखी तो इसे पीछे अपलोड हुई है वीडियोज़ में जाके खुलों कील वाली भी वीडियो देख लें। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह जल्दी अगली वीडियो बनाऊंगा, तब तक करिए अल्लाह।